सपा मुखिया अखिलेश यादव की धड़कनें बढ़ा देगा यूपी के डिप्टी सीएम का बयान। राजभर के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर सूबे के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का ये ऐलान। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान थाम चुके हैं एनडीए का दामन। बढ़ रही है चुनावी सरगर्मियां, तो क्या अखिलेश यादव को अकेला छोड़ देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? लोकतंत्र के इस देश में, राजनीति में अगर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आता है तो आता है अवसरवादिता का। अवसरवादिता, जिसे शुद्ध ठेठ भाषा में एक कहावत के जरिए कहा जाता है, जिधर देखो सुरुआ उधर बैठो उठकुरुआ। ऐसा आप विगत कई चुनावों से देखते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से ये अवसरवादिता के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग ही राजनीति की नई गाथा लिख रहे हैं, नई कहानी लिख रहे हैं। हाल ही में राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो तमाम बयान काफी चर्चाओं में रहते थे, उनकी स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो पाती थी कि वो भाजपा के साथ हैं, सपा के साथ हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी नीयत साफ कर दी कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। इन्हीं के बीच लोकसभा चुनाव जब सामने हैं, उसी दौरान विगत विधानसभा चुनाव के पहले दारा सिंह चौहान ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाकर उसका साथ छोड़ दिया और अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। लोकसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है, राजनीतिक दल बड़े बड़े संगठन बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। इस दौरान दारा सिंह चौहान भी छोड़कर, सपा का साथ छोड़कर, अखिलेश यादव को अकेला करके फिर से भाजपा के पास आ गए हैं। और उनकी जो तस्वीरें यूपी की दोनों डिप्टी सीएम के साथ वायरल हुई, वो देखकर आप सभी भी चकित रह गए, आप सभी क्या पूरे देश की जनता चकित। लेकिन इन्हीं के बीच में एक नाम और था, वो नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में आ रहे हैं? लोगों का यहां तक कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लगातार एनडीए में, भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। सूबे के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से जब इस मुद्दे पर बात की गई, जब उनसे पूछा गया क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में आ रहे हैं, तो एक तरीके से उन्होंने इशारा दिया है कि भाजपा में अगर कोई आस्था रखता है तो वह भाजपा में शामिल हो सकता है। धन्यवाद सर। राजभर जी आ चुके हैं, दारा सिंह जी आ चुके हैं, अखिलेश यादव को डर है कहीं प्रकाश स्वामी प्रसाद मौर्य भी ना आ जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में भरोसा रखते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत माता को, भारत माता के झंडे को और आकाश की ऊंचाई को ले जाना चाहते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। हम सब मिलजुल करके अपने प्रदेश को, अपने देश को, आज हम दुनिया के पैमाने पर पांचवी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हैं। हम 2047 में जब अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। आज उत्तर प्रदेश राष्ट्र चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर ने धार्मिक मुद्दों पर कई ऐसे बखेड़े खड़े किए थे जिसको अखिलेश यादव अभी तक समेट नहीं पाए हैं। और कहीं ना कहीं ये कारण एक और भी है कि अखिलेश यादव के विभिन्न कई कार्यक्रमों में स्वामी प्रसाद मौर्य देखे नहीं जा रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जब धरने पर बैठे तो वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज से नहीं बल्कि आज से पिछड़ों और दलितों के बड़े नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से साथ छोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी की एक चौथाई हिस्सेदारी को वो अपने साथ लेकर चले आए थे। ऐसे में अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में स्वामी प्रसाद मौर्य का न दिखना, बृजेश पाठक का इस प्रकार से बयान आना, कहीं ना कहीं राजनीति के भविष्य के लिए एक नई इबारत लिखने के लिए कहीं तैयार तो नहीं है? हालांकि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ऐसा तो कोई इशारा नहीं दिया गया, लेकिन बृजेश पाठक के इस बयान ने कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की सरगर्मियां जरूर बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एनडीए में शामिल हो सकते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो उस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।